नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम इस वीडियो में डे वन थर्टी क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब हर दिन थर्टी या ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एमसीक्यू पॉलिटी के हम प्रैक्टिस करेंगे मैंने जितने भी आर्टिकल थे वो सारे डाल दिए उसकी प्लेलिस्ट है आप वहां पे देख सकते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक रिविजन अच्छे से हो जाए तो आज हम जिस पार्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसके जिस पार्ट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले वो कौन सा है डीपीएसपी डायरेक्टिव पार्ट फोर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो पहला क्वेश्चन है आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन तो ये कौन से में

के लिए, which that DPSP of state इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिक्लेरेशन मतलब वेलफेयर स्टेट के लिए बात करता है तो आर्टिकल थर्टी नाइन आर्टिकल थर्टी नाइन किससे डील करता है आर्टिकल थर्टी नाइन कंटेन करता है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो फॉलो की जाती है स्टेट के द्वारा और दिस इंक्लूड और इसमें क्या है जो लिवलीहुड है मैन और वुमेन की इक्वली हो इक्वली पे ऑफ इक्वल वर्क हो ठीक है ये सारी चीजें इस आर्टिकल में बात की गई है वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन इन हेल्थी एनवायरमेंट हो फॉर चिल्ड्रेन टू डेवलप तो ये सारी चीजें उनके वेलफेयर के लिए मतलब वेलफेयर के लिए स्टेट वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें बताई गई है इस आर्टिकल में आप देखोगे पढ़ोगे तो अच्छे से उसके बाद है आर्टिकल थर्टी नाइन ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड डील विद डीपीएसपी ठीक है तो आर्टिकल थर्टी नाइन आप जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड डील करता है किससे कौन से पार्ट से डीपीएसपी पार्ट फोर से विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज तो ये आर्टिकल डील करता है हु सेड अबाउट राम रूल रूल थ्रू विलेज तो जो ये राम रूल का बात है ये किसके द्वारा बोली गई तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आर्टिकल फोर्टी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस डील विद तो डीपीएससी से डील करता है भैया आर्टिकल

गार्ड ऑफ फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है उनको सेफ गार्ड किया जाए वाइल्ड लाइफ तो ये किससे डील करता है डीपीएस तो में बात करा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि जो ये, ये काउ सेल्टर है जी अलग करना फ्रोम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन डीपीएसपी विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड डी

और जो अदर डायरेक्टिव है आउटसाइड पार्ट फोर वो आर डायरेक्टिव अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए एन आर्टिकल 351 मतलब ये कुछ डायरेक्टिव हैं जो यहाँ पे पार्ट फोर में नहीं बताए गए तो इसमें बताए गए हैं आर्टिकल और आर्टिकल 350 और 351 में जो आउटसाइड है पार्ट फोर से उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इज नॉट एडवाइजेबल इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स उसके बाद है सोसाइटी वर्क फॉर देलफेयर ऑफ मेंबर्स बिल्कुल सही है जो कॉर्परेटिव सोसाइटी है वो बनाई जाएंगी वेलफेयर ऑफ में ट्रू इज यूनिफॉर्म सिविल कोड ए रियलिटी इन अवर कंट्री नहीं भैया पूरे

जाती हैं बुक दी जाती हैं और भी काफी चीजें दी जाती हैं एस सी और ओबीसी को hmm. माइनोरिटी को तो बात तो बिल्कुल सही है उनके एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए और ये किससे बात डील करता है भैया बिल्कुल, बिल्कुल दी जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो बाकी गवर्मेंट जॉब है इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है छूट दी जाती है एडमिशन दिए जाते हैं टू स्टेट बिहार और गुजरात आर स्टेट इन 47। बिल्कुल सही है भैया। yes. किसान न्यू मैथड ऑफ एग्रीकल्चर इज दिस टैप ऑफ गवर्नमेंट कम्स अंडर द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल फोर्टी एट बिल्कुल भैया यस फार्मर्स के लिए भी काम करना उनके लिए भी उनको भी स्किल करना उनको भी बताना कैसे कैसे आप अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकते हो तो उसके लिए स्टेप करना उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना जैसे डीडी डी, जो किसान चैनल है भाई लोग आराम से देख सके क्या क्या चीजें हो सकती है क्या क्या मेथड है अच्छे से समझ सके लर्न कर सके तो ये भी क्या एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना ही है ना ये जो स्टेप है गवर्नमेंट कम्स अंडर द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 48 क्या ये आता है 48 के अंडर आर्टिकल के अंडर में बिल्कुल सही बात है ये तो होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई होगी क्वेश्चंस की थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो गए सब्सक्राइब करना